छुट्टी पर जाना तो सबका हक है, लेकिन जब ये छुट्टी पर जाते हैं तो घर का सारा काम हाउस मिस्ट्रेस या हाउस मिस्टर पर आ जाता है। अब बात करते हैं, मैंने डॉनल्स के डिशवॉशर को ही क्यों पसंद किया, क्योंकि मार्केट भरी पड़ी है इंपोर्टेड डिशवॉशर से। पहली बात, कस्टमर सर्विसेज अवेलेबल है, आपके एक फोन कॉल पर टेक्नीशियन आपके घर पर आ जाएगा। दूसरी अहम बात, इंपोर्टेड डिशवॉशर की बनिस्पत डॉलेंस डिशवॉशर की कीमत आधी है। सो द मेन पॉइंट इज यू कैन गेट बेटर कस्टमर सर्विसेज हाफ द प्राइस एंड इन वन ईयर वारंटी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने किचन की कैबिनेट के अंदर इसको फिक्स कराया है, लेकिन इस डिशवॉशर की खूबसूरती ये है कि ये एज अ स्टैंडअलोन अप्लायंस भी आपके किचन में रखा जा सकता है, मतलब आपको कोई खास कैबिनेट रिक्वायर नहीं है। अच्छा, इस डिशवॉशर के लिए आपको सिर्फ एक पानी और एक ड्रेन का पाइप चाहिए होगा। एक मिसकंसेप्शन ये है कि डिशवॉशर के इस्तेमाल से बिजली और पानी बहुत ज़ाया होते हैं। एक औसतन डिशवॉशर 6 गैलन पानी एक वॉश में इस्तेमाल करता है, जबकि हैंड वॉश के दौरान औसतन 2 गैलन पानी पर मिनट इस्तेमाल हो रहा होता है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं कि बर्तन धुलते वक्त कितने घंटे टैप खुला रहता है। सो देयर इज़ नो कंपैरिजन। As you can see, इस dishwasher में बहुत सारे programs हैं, लेकिन मैं generally eco use करती हूँ। Economical का फ़ायदा ये है कि ये बिजली और पानी भी कम इस्तेमाल करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें गंदे बर्तन रखने के लिए 2 ट्रे हैं और साथ साथ एक कटलरी बास्केट भी है, जो कि आप बाहर भी निकाल सकते हैं। ये आप उस वक्त बाहर निकालेंगे जब बर्तनों का लोड बहुत ज़्यादा हो, यानी कि बर्तन बहुत ज़्यादा हो। ट्रेस के साथ साथ एक मूवेबल स्पून रैक भी है। आइए अब इस डिशवॉशर के अंदर गंदे बर्तन लोड करते हैं। ये देखिए, ये बर्तन धोने वाला साबुन डालने की जगह है, और ये साबुन या टैबलेट अल फते या किसी भी अच्छे स्टोर से इजीली अवेलेबल है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि बर्तनों को खंगाल कर डिशवॉशर में रखा जाए, लेकिन मैं इसे अग्री नहीं करती। डॉलेंस ने इस डिशवॉशर को बनाते हुए पाकिस्तानी मार्केट का ख्याल रखा है, मतलब हमारे बर्तन ज़्यादा चिकनाई वाले होते हैं क्योंकि हम अपने खाने भून कर बनाते हैं। See, there is a fan on the top and bottom of the dishwasher and it sprays hot water from above and below, जिससे बर्तनों की सफाई अच्छे तरीके से होती है और 99.9% germs मारे जाते हैं। Dishwasher इस्तेमाल करने का तरीका जो कि मैंने वेस्ट में सीखा है, आप अपने सारे दिन के बर्तन इसमें इकट्ठे करते जाएं और रात को इसको चला दें ताकि सुबह उठे और सारे बर्तन आपको साफ मिले। लेकिन मैं ये समझ सकती हूँ कि पाकिस्तानी घरों के लिए ये इतना प्रैक्टिकल नहीं होगा, इसलिए डॉलेंस ने हाफ लोड का बटन भी दिया हुआ है यहाँ। ओके, अब मैं इसको स्टार्ट करने लगी हूँ और मैं कॉर्नर पे चलाऊँगी। यहाँ पे आपकी डॉलेंस डिशवॉशर जो है वो इस वक्त अपने इस्तेमाल में है और बर्तन धुलने शुरू हो चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बॉटम रेड लाइट ऑन हो जाए तो इसका मतलब है कि आपके बर्तन धुलकर तैयार हैं। धुलने के फौरन बाद खोलते वक्त एहतियात से काम लें, कहीं स्टीम से आपको नुकसान ना पहुंचे। लुक एट दीस पॉट्स, दे लुक ऑसम, दे आर क्लीन, वार्म एंड जर्म्स फ्री, जबरदस्त। डिशवॉशर से बैक्टीरिया और दूसरे जरासीम का खात्मा 99.9% मुमकिन है। पाकिस्तान इन ममालिक में शामिल है जो कि पानी की किल्लत का शिकार है, और डिशवॉशर कम से कम 5 गैलन पानी फीकस बचा कर देता है। अगर आप मुझसे पूछें तो डिशवॉशर में इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म ज़्यादा फ़ायदा देगी और हम पाकिस्तान को दरपेश पानी के मसाइल में भी अपना हिस्सा डाल सकेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लिए और भी यूज़फुल वीडियोस जल्द ही अपलोड करेंगे। धन्यवाद।